बंदो या ना मानो मैं हूँ एक उड़ता हुआ भावड़ा डोरीमोन। और गाइस अगर आपको लग रहा है कि मैं भावड़ा इसको बोल रहा हूँ तो भाई आप गलत सोच रहे हो, मैं इनको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो इसको बोल रहा हूँ क्योंकि आज अपन इसी के साथ खेलने वाले डोरीमोन होटल। और डर का तो मैं आप गेम के अंदर आ चुका हूँ और जो आपको सामने घर चलता हुआ दिख रहा वो लिटरली मेरा घर है जो कि जल रहा है। पता नहीं किस बावड़ी पूछ ने मेरा घर ही जला दिया। तो अभी तो छोड़ो भाई, अभी अपने को रात कैसे सर्वाइव करनी है वो सोचना पड़ेगा। और वेट गाइस, मुझे सामने की साइड एक घर दिखा है तो मैं सोच रहा हूँ इसी घर के अंदर चलते हैं, ओनर से बात करेंगे कि एक रात रुकने दे भाई, इतनी रात को कहीं जाऊंगा और कोई गुंडा वुंडा मिल गया ना तो अलग कूट देगा। तो भाई मैं इसके घर में तो आ चुका हूँ। वैसे भाई इसके घर में बहुत ज्यादा अंधेरा है यार, एक काम करता हूँ टॉर्च ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन ने टॉर्च ऑन कर ली, फटाफट से इस गेट को खोल दूं क्या मैं? भाई एक काम करता हूँ खटखटाता हूँ यार, एकदम किसी का गेट खोलना अच्छा नहीं रहता भाई, रात को सो रहा हो यार गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के साथ नहना। अभी अपन भाई खटखटा देते हैं एकदम खट खट खट। गाइस यहाँ पे अपन ने खटखटा दिए, अब अपन जा सकते हैं। ठीक है, अब अपन फटाफट गेट को खोल देते हैं। भाई ये क्या था? अरे रुको यार भाई, मेरे को तो जान दो तुम बाहर। अरे ये बाहर का भी नहीं गेट खुल रहा भाई, क्या था ये? अरे देखो तो सही, ये लाल, अच्छा भाई ये लाल कलर का डोरीमोन है यार। भाई मैं एकदम डर गया, साले ऐसे कौन बैठता है और तुम अपना कलर चेंज कर यार, तो ब्लू कलर का डोरीमोन था ना, साले तेरी घंटी बजा दूंगा। और जैसे क्या फटाफट देना इसको सारी की सारी कंडीशन बता देते कि मेरा घर जल गया है और रात को सर्वाइव करने के लिए मैं इसके यहाँ पे आया हूँ, बस ये हाँ बोल दे क्योंकि भाई मेरे पास पैसे नहीं। अगर मेरे पास पैसे होते ना तो भाई मैं अकड़ के इसके होटल में आता, क्योंकि भाई पैसे तो सब कुछ है लेकिन अपने पास मेन चीज पैसे ही नहीं है। भाई इससे बात कर लेते, और वैसे गाइस मैंने इससे लिटरली बात की तो ये बोल रहा है आप यहाँ पे रुक सकते हो और आराम से सो, आगे जाके मुझे कहीं से लेना है राइट, वहां पे बेडरूम मिलेगा। ओके गाइस मुझे यहाँ पे बेडरूम मिल चुका है। भाई बढ़िया यार, ये डोरेमोन तो सही निकला, मैं तो इसको फालतू में खून ही समझ रहा था। तो अभी अपन फटाफट से अंदर चलते हैं। और वैसे भाई इसने मुझे अपना खुद का प्राइवेट बेड दिया यार, बढ़िया। और वैसे वेट गाइस, यहाँ पे एक टेबल है और इसके अंदर ये कुछ गोल गोल चक्कर घूम रहा है। भाई मेरे को पक्का लग रहा है ये टाइम मशीन है, क्योंकि डोरेमोन के पास भी एक खुद की टाइम मशीन है, इसके पास भी पक्का एक टाइम मशीन होगी। भाई इसको नहीं छेड़ते यहाँ, ये तो पता चले कौन सी जमाने में पहुंच जाएंगे। और वैसे अभी ना मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ तो अपन फटाफट से सो जाते हैं। और वैसे मैं यहाँ पे सो रहा था और सोते सोते एकदम से खटखटाने की आवाज आई। भाई क्या चालू है यार इसके होटल में, एकदम से खटखटाने की रात को आवाज आ रही है। भाई अब मैं क्या ही करूँ यार, ये गेट खोलूं कि नहीं खोलूं? अगर मान लो मैंने खोला और कोई बागड़ बिल्ला घुस गया तो भाई मैं कैसे लड़ूंगा यार, इस गेम में तो मेरी बॉडी वॉडी भी नहीं है तो लड़ भी नहीं पाऊंगा यार। चलो कोई नहीं, खोलना ही पड़ेगा। और भाई इधर चिटकनी भी नहीं है कि अपन उससे, वो जो ऐसी आती है ना जिसमें कहां से सब कुछ बाहर का दिखता है, वो भी नहीं यार। चलो छोड़ो, यहाँ पे अपन खोल देते हैं। भाई तू पागल है क्या, ऐसे क्यों आता है और इतनी रात को? भाई आया, देखो भाई कैसे ही दिख रहा है, डरावना सा। तो इसे बड़ी से बात कर लेते हैं कि क्या हुआ भाई, क्यों आया? आई फॉरगॉट टू टोल यू दैट यू हैव टू पे फॉर दिस रूम। कसम से गधे का, ये बोल रहा है मैं भूल गया था आपको बताना कि आपको पैसे देने पड़ेंगे इस रूम के। अब भाई क्या ही बोलूं यार, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, बता दूंगा मेरे पास पैसे नहीं है। चलो ठीक है, इसको बता देते हैं। गाइस मैंने इसको बता दिया बट आई डोंट हैव मनी। ओके अब देखते हैं क्या बोल रहा है। डू यू वॉन्ट टू वर्क फॉर मी? काश जी तो सही बंदा यार, ये बोल रहा है आप मेरे लिए काम करना चाहते हो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। भाई बढ़िया, हाँ मैं करना चाहता हूँ बिल्कुल, नॉट अ बिग वर्क। हाँ ये बोल रहा है ज्यादा बड़ा वर्क नहीं है, छोटा सा वर्क है, बस आपको रूम को क्लीन करना है। हाँ अभी भाई यार, ये बोल रहा है अभी करना है यार, अभी कैसे करूंगा भाई, रात हो रही यार, मैं थक गया हूँ, सोन देना यस अदरवाइज। अरे भाई बदतमीजी कर रहा, बोल रहा है अगर अभी नहीं करना तो सीधे घर जाओ। अरे ला भाई कर देते हैं, तेरा रूम साफ कर देते हैं, अभी अपन इसको फटाफट से फॉलो करते हैं। और वैसे भाई कसम से देखो ये दादा वादा है क्या भाई, कैसे चल रहा है, देखो तो सही इसको, समझदार। कसम से तेरे को तो कूटूंगा भाई, एक दिन बाहर मिल जाना तेरी दादागिरी निकाल दूंगा। वैसे भाई ये पता नहीं कहीं लेके जा रहा है, हाँ मेरे हिसाब से वो जो रूम है ना वो क्लीन करना है ना, वहां पे अपने को लेके जा रहा है। चलो चलो डोरेमोन को फॉलो करो। और वैसे ये है ना बेडरूम, चलो ठीक है इसके अंदर चलते हैं। कहाँ सफाई करनी है गाइस, मैं इस बेडरूम के अंदर आया और यहाँ पे खून के धब्बे हैं। साले तू कसम से खूनी है ना, सच बता, तेरा जुर्म बता, किसको मारा? ओए इधर देख, बागड़ दिल्ले इधर देख, तेरी भैंस की, बता किसको मारा तेने? कल मुझे लग रहा किसी ने, इसने किसी को ढूसा वूसा मारा भाई, पूरा खून वून चिपका हुआ है दीवारों पे जमीन पे। भाई इससे बात करते क्या कांड किया इसने, अब ये मेरे से सफाई करवा रहा है। यू हैव टू क्लीन दिस रूम। अरे कहां से साफ करूं, खून के धब्बे हैं, पुलिस पकड़ लेगी तो फिर
टेक द ब्रूम फ्रॉम स्टोर रूम एंड स्टार्ट क्लीनिंग इट। गाइस ये बोल रहा है स्टोर रूम में जाओ और ब्रूम यानी वो जो झाड़ू आती है ना वो लेके ये सब सफाई करना स्टार्ट कर दो। भाई अब क्या ही यार, पैसे चाहिए तो अपने को सफाई तो करनी पड़ेगी। तो अभी अपन फटाफट से स्टोर रूम में चलते हैं। और मैंने शायद तक स्टोर रूम मेन लॉबी के साइड में देखा था, तो अभी अपन फटाफट से मेन लॉबी में चलते हैं और वहां पे स्टोर रूम से सीधे झाड़ू उठा के ऊपर लाएंगे। ओके तो गाइस मैं यहाँ पे झाड़ू लेके आ चुका हूँ स्टोर रूम से, तो फटाफट से अंदर चलते और क्लीन कर देते हैं जितने भी खून के धब्बे हो रहे हैं। वैसे हाँ भाई मीटर रहे यार, मुझे लगा था नहीं मिटेंगे। चलो बढ़िया यार, अच्छी बात है। फटाफट से सारा का सारा एरिया क्लीन कर देते हैं। ओके तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है रूम, बस थोड़े से और धब्बे बचे। और वैसे भाई दीवार पे तो कैसे ही करूंगा, ये झाड़ू को दीवार पे कैसे चलाऊंगा, ऐसे ऐसे करके थोड़ी चलाऊंगा। मैं तो एक काम करता हूँ, जमीन पे करता हूँ और वापस से डोरेमोन से बात करूंगा वॉल के लिए। भाई ये क्या हुआ, कास लिटरली वापस से दरवाजा खटखटाने की आवाज तो आई आई, विंडो टूटने की तक आवाज आई। भाई कसम से क्या ही चालू है, मैं बाहर जाऊंगी नहीं भाई, बाहर जाना ही पड़ेगा, देखते हैं क्या हुआ इधर। हेलो भाई इधर तो कुछ भी नहीं हुई, और ना तो कांच पड़े हैं। भाई मुझे ऐसा लगा कांच वहां टूटा यार, ऐसी आवाज आई, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई यार कसम से क्या ही चालू है इसके घर पे यार, मैं सीधे डोरेमोन से बात करूंगा। भाई क्या ही डोरेमोन से बात करूं कि मैंने आवाज सुनी है, वो बोलेगा तुम पागल हो। चलो छोड़ो यार अपन सफाई करते हैं। गाइस लिटरली यहाँ पे भाई ये कैन के डब्बे और यहाँ पे डोरा केक कहाँ से आ गए। देखो पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था ना, मैं यहाँ पे बस सफाई करके बाहर आया था कि कौन से कांच टूटने की आवाज है। फिर मैं जैसे ही इधर आया यहाँ पे डब्बे पड़े हुए हैं, कैन पड़ी हुई है, झाड़ू भी गिरी हुई है। भाई क्या चालू है, मैं तो सीधे जा रहा हूँ भाई डोरेमोन के पास और उससे बात करूंगा यार कि ये क्या चालू है। मैं अगर ऐसा होगा ना कि यहाँ पे थोड़ी ऐसी एक्टिविटी होगी ना भूत वाली, तो मैं यहाँ से छोड़ दूंगा भाई। भले ही रात को रोड पे सो जाएंगे लेकिन यहाँ पे नहीं देंगे भाई, फटती यार अपनी भी है, ऐसा थोड़ी होता है। क्यों रे डोरेमोन क्या चालू है ऊपर। गाइस मैंने ना यहाँ पे डोरेमोन से बात की और उसको बताया कि ऊपर अलग तरीके की आवाजें आ रही है, और तो और वहां पे कैन के डब्बे डोरा की अपने आप से आ गए। तो ये बोल रहा है चुपचाप जाओ अपना काम करो जितना तुमसे बोला है। भाई कसम से बड़ा ही बदतमीज है, और बोल रहा है अगर वो खून के धब्बे नहीं साफ हो रहे ना ढंग से तो एक काम करो यहाँ पे जो स्टोर रूम है ना इसके अंदर जाओ और वैक्यूम क्लीनर बनाओ, लाओ नहीं बनाओ। भाई वैक्यूम क्लीनर कैसे बना दूं, और वेट अ सेकंड गाइस यहाँ पे एक सीक्रेट रेसिपी रखी है जिसमें बोल रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल बटर प्लस मोटर प्लस डस्ट बैग इक्वल्स टू वैक्यूम क्लीनर। अबे बटर मोटर डस्ट बैग से वैक्यूम क्लीनर कैसे बनता है साले डोरेमोन, बावड़ा यार ये कसम से, ये तीन चीज से वैक्यूम क्लीनर कैसे बनेगा। और गाइस इसने ये भी बोला है जब ये तीनों चीज तुम इकट्ठा कर लोगे तो ये तीनों चीज को तुम्हें जो टाइम मशीन है ना उसके अंदर जाके ड्रॉप करनी है तो वो वैक्यूम क्लीनर बना देगी। अब भाई ये पहले बटन ढूंढो, फिर मोटर ढूंढो, फिर डस्ट बैग ढूंढो, ये तीनों के तीनों आइटम कहाँ मिलेंगे पता है, देखो कहाँ मिलेंगे, तू जा तो ढूंढ। हाँ मैं यहाँ पे बैठता हूँ तू ढूंढ। तो भाई ये तो ओनर है ये तो कुछ काम नहीं करने वाला, अपने को ढूंढना पड़ेगा सारे के सारे आइटम। और वैसे वेट कर मुझे यहाँ पे मोटर मिल गए, भाई बढ़िया यार ये तो इतनी आसानी से मिल गई, मेरे को लगा बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। चलो ठीक है गाइस यहाँ पे अपने को मोटर तो मिल चुकी है, बस अपने को बटन और डस्ट बैग ढूंढना है। और मुझे लग रहा है जो डस्ट बैग है ना वो तो किचन से मिल जाएगा, बस बटन। ओके गाइस यहाँ पे अपने को बटन भी मिल गया और ये मेरे बेडरूम में ही पड़ा था तो अपन इसको भी यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है दोनों आइटम यहाँ पे अपने टाइम मशीन में ड्रॉप कर दिए, बस जो लास्ट आइटम है यानी डस्ट बैग वो मेरे हिसाब से किचन में हो सकता है। हाँ ठीक है यहाँ पे अपने को डस्ट बैग भी मिल, अरे उठे जा रहे ओए ठीक है यहाँ पे अपने डस्ट बैग भी उठा लिया, बस अपन को इसको टाइम मशीन में डालना है और देखना है कि ये टाइम मशीन काम करती है। वैसे मेरे हिसाब से तो टाइम मशीन ये काम करती थी कि आपको इस जमाने से दूसरे जमाने में पहुंचाएगी, लेकिन भाई इसकी तो टाइम मशीन वैक्यूम क्लीनर बना रही है यार। तो इसको ड्रॉप करते देखते हैं क्या ये सच्ची में काम कर रही है, और हाँ भाई इसने वैक्यूम क्लीनर बना दिया यार, गजब डोरेमोन है यार। भाई ये तो डोरेमोन मेरे को भी चाहिए था, बाकी ये थोड़ा सा डरावना टाइप भी है यार, पता नहीं कुछ ना कुछ उल्टी हरकतें करता रहता है। और वैसे अभी मैं ये वैक्यूम क्लीनर लेके जा रहा हूँ सीधे अपने बेडरूम में, और जितने भी धब्बे और ये जितने भी केन डोरा केक वगैरह ना इस सबको फटाफट से साफ कर देते हैं। और हाँ भाई ये इससे तो जल्दी जल्दी हो रही है यार। ऑर्डर कहते हो यहाँ पे अपने पूरा का पूरा रूम साफ कर दिया, तो फटाफट से अब अपन चलते हैं डोरेमोन के पास और उससे पैसे मांग लेते, क्योंकि उसने बोला था अगर आप रूम साफ करोगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। तो अपन फटाफट से पैसे ले लेते हैं और उसको हाथों हाथ पेमेंट भी कर देंगे जितनी भी इस होटल की पेमेंट है। तो ले भाई फटाफट से ले मेरे को पैसा दे दो, मैंने साफ सफाई कर दी तेरे रूम की। थैंक यू फॉर क्लीनिंग, आई विल पे यू टुमारो, डोंट वरी।
गाइस मैंने इसका रूम साफ किया और उसके बदले में से मुझे थैंक यू बोला, और जब मैंने पैसे मांगे तो ये बोल रहा है आई विल पे यू टुमारो, अगले दिन दूंगा। यार भाई तेरे पे विश्वास करूंगी नहीं, वैसे इसने मुझे काम दिया है, मेरी बात को समझा, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे हिसाब से दे देगा। तो अभी अपन सो जाते हैं, इसने मुझे गुड नाइट भी बोला है, थैंक यू, तू भी सो जा, ठीक है मैं भी सो जाता हूँ, तू भी सो जा। तो भाई अब अपन सो जाते हैं और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे रात को कोई भी परेशान नहीं करे, तो फटाफट से यहाँ पे अपन सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो फटाफट से अपन डोरेमोन के पास चलते और इससे पैसे मांग लेते, क्योंकि लास्ट नाइट इसने बोला था कि मैं तुम्हें अगले दिन दूंगा, तो अपन इससे पैसे मांग लेते हैं। लास्ट नाइट आई वर्क फॉर यू, हाँ ठीक है भाई पैसे दे दे, नॉट नाउ, कैसे मना कर रहा है, अभी नहीं, फर्स्टली गो इन किचन एंड मेक चोको केक फॉर मी। गाइस ये बोल रहा है अभी नहीं दूंगा पैसे, पहले मेरे लिए केक बना के लाओ। साले बावड़े पागल गधे उल्लू के पट्टे, यार माइंड में गो, यार ऐसा क्यों होता है भाई, यार मेरे साथ इसने स्कैम किया ऐसा लग रहा है मुझे। ये बोल रहा है केक बनाओ, भाई तेरा के नौकर वोकर बैठा हूँ क्या मैं, अब इसके लिए केक बनाओ किचन में जाके। ये रहा किचन, और भाई देखो क्या ही किचन है, किचन में गैस रहता है, चूल्हा वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कैसे बनाऊ सारे केक, कैसे बनाऊ यहाँ पे। ओके तो मैंने यहाँ पे इससे बात की और ये बोल रहा है तुम अभी भी नींद में हो, वो किचन के अंदर एक नोट पड़ा है। भाई कसम से कोई नोट नहीं था यार, मैं अभी गया था, भाई नोट किसे आ गया यार, कसम से क्या ही चालू है, अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया तो कोई नोट नहीं था, मैंने भाई जमीन तक चेक की थी, लेकिन अभी अचानक से कैसे नोट आ गया, पता नहीं क्या ही मैजिक करता रहता है डोरेमोन। और यहाँ पे लिखा है सीक्रेट रेसिपी, बॉक्स प्लस हैंडल इक्वल टू मैजिक ओवन, यानी आप बॉक्स लाओ प्लस हैंडल लाओ उसके बाद मैजिक ओवन बन जाएगा। अब गाइस अपने को पूरे घर के अंदर बॉक्स और हैंडल ढूंढना है, तो अपन फटाफट से बॉक्स और हैंडल ढूंढते, और वैसे गाइस यहाँ पे अपने को हैंडल तो मिल गया, तो अपन इसको उठा के डाल देते टाइम मशीन में, ठीक है यहाँ पे अपने हैंडल ढूंढ लिया, बस अपने को अब ढूंढना है बॉक्स, क्योंकि मुझे लग रहा है स्टेयर्स में मिलेगा क्या, ना भाई इधर तो नहीं है, फर्स्ट फ्लोर पे चेक करते हैं, क्योंकि भाई सारा एरिया तो अपन ने कवर कर लिया, वहां पे कहीं भी नहीं मिला मुझे। तो फर्स्ट फ्लोर पे भाई इधर भी नहीं यार, ये बेडरूम में है क्या, हाँ गाइस यहाँ पे अपने को बॉक्स भी मिल गया, चलो बढ़िया अपने को दोनों चीज मिल गए, अब अपन बना पाएंगे मैजिक ओवन और फिर देखते हैं अपन केक कैसे बना पाएंगे। डायरेक्ट तो मेरे हिसाब से नहीं बनेगा भाई, केक बनाने के लिए बहुत सारी चीजें लगती है यार, डायरेक्ट कैसे बन जाएगा, ठीक है यहाँ पे अपन ड्रॉप कर देते हैं, ड्रॉप हो जाए भाई, अबे ड्रॉप क्या ड्रॉप नहीं होगा क्या, हाँ ठीक है यहाँ पे ड्रॉप हो गया, और वैसे इनने मैजिक ओवन भी दे दिया, अब अपन इसको किचन में जाके रख देते हैं, उसके बाद देखते हैं केक कैसे बनेगा, ठीक है यहाँ पे अपन ने कर लिया प्लेस मेक, और यहाँ पे गाइस तीन केक आ रहा है, कौन से केक पर क्लिक करूँ, थर्ड वाले पे कर दूँ क्या, ठीक है गाइस थर्ड, अरे थर्ड वाला गलत है, सेकंड वाला, अरे भाई सेकंड वाले पर क्लिक किया तो यहाँ पे केक बन के आ चुका है, तो फटाफट से ये केक को दे देते डोरेमोन को, वैसे भाई ये टेस्टी तो लग रहा है, मेरे को ही खाने की इच्छा हो रही है, चलो कोई नहीं इसको दे देते यार, ये मारेगा बोले पैसे भी नहीं हो केक भी खा रहे हो दिक्कत हो जाएगी, ये ले भाई केक ले ले। और वैसे गाइस अब ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें वापिस से कल पैसे दूंगा, ये बोल रहा है अभी सो जाओ पैसे कल ले लेना, यार अब अगले दिन भाई मैं कसम से इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा, सीधे से पैसे मांगूंगा यार, ये दो दिन से ऐसे ही टाल रहा है। ओके तो यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो फटाफट से डोरेमोन से पैसे मांग लेते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट में उसने बोला था पैसे ले लेना, ठीक है ले भाई फटाफट से पैसे दे, अब अगर तेने कुछ काम बताया ना बता रहा, ये मूंछ दोनों मिला के एकदम खींच देना मैंने। फर्स्ट टेल मी वन थिंग, डू आई लुक डर्टी, गाइस मैंने इससे बोला मेरे को पैसे दो, तो ये बोल रहा मुझे एक चीज बताओ क्या मैं गंदा लग रहा हूँ, भाई वैसे गंदा तो लग रहा है, हाँ भाई नहाता वाता नहीं है ना इसलिए गंदा लग रहा है, हाँ भाई गंदे तो लग रहे हो, गाइस मैंने इसको यस बोल दिया, और वैसे Say it again if you dare, guys ये बोल रहा अगर तुम्हारे अंदर ताकत हो तो एक और बार बोल के बताओ। साले तू धमका क्यों रहा है यार, एक तो खुद क्वेश्चन पूछता है, उसके बाद अगर जवाब दो तो बोलता है ये से कैसे जवाब दे दिया यार, नो आई वॉज किडिंग गाइज, मैंने यहाँ पे कवर कर लिया, मैंने बोला नहीं नहीं भाई तुम अच्छे लग रहे हो क्यूट लग रहे हो, अब भाई बोलते आई वॉन्ट सी माई फेस गेट अ मैजिक मिरर फ्रॉम टॉयलेट, गाइज ये बोल रहा है मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूँ कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं, साले तेरे को कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली, कोई बिल्ली तेरे को भाव नहीं देगी, भाग जा तू यहाँ से, अब इसके लिए गाइज अपने को बाथरूम के अंदर से वो मैजिक मिरर करके लेके आना है, फटाफट से अब हम बाथरूम या जो भी बोलते हैं टॉयलेट उसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे अपने को वापस से सीक्रेट रेसिपी मिली है, यहाँ पे लिखा है रेड ग्लास फ्रेम प्लस ब्यूटी फ्रेम इक्वल टू मैजिक मिरर, तो अपने को रेड ग्लास ढूंढना है जो कि अपने को सामने की साइड में मिल गया, चलो बढ़िया अब अपन इसको सीधे टाइम मशीन में ला के डाल देते, अरे यार तो गलत जगह आ गया, बेडरूम का है,
हाँ ये रहा अपना बेडरूम, इसके अंदर डाल देते अपन। ठीक है, यहाँ पे अपने एक आइटम ड्रॉप कर दिया। अब अपने को दूसरा आइटम क्या था, येलो फ्रेम, और येलो फ्रेम यहाँ पे है। नहीं नहीं येलो फ्रेम यहाँ पे नहीं है, स्टोर रूम में चेक करते हैं, शायद स्टोर रूम में क्या पता अपने को येलो फ्रेम मिल जाए, है क्या। हाँ गाइस यहाँ पे अपने को येलो फ्रेम मिल चुकी है स्टोर रूम से। और तीसरी जो चीज थी वो थी ब्यूटी फेस, और मेरे हिसाब से जो ब्यूटी फेस है वो मुझे फर्स्ट फ्लोर पे मिलेगा। तो अभी अपन फटाफट से ये जो येलो फ्रेम है इसको डाल देते हैं इधर के साइड ड्रॉप। ठीक है, अब अपन चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और उधर जाके देखते हैं ब्यूटी फेस है कि नहीं, क्योंकि भाई एक ही लास्ट ही ऑप्शन है फर्स्ट फ्लोर। अगर इधर नहीं मिला तो मेरे हिसाब से इस पूरे घर में नहीं मिलेगा। ओके गाइस यहाँ पे मुझे मिल चुका है ब्यूटी फेस, अब इसको अपन सीधे डाल देते हैं टाइम मशीन के अंदर ड्रॉप। तो गाइस यहाँ पे अपन ने तीनों के तीनों आइटम डाल दिए और यहाँ पे आ चुका है मैजिक मिरर। तो फटाफट इसको लेके चलते डोरेमोन के पास। अरे भाई उठ जा भाई, अरे उठ जा, अरे उठे जा रहे दादा। गाइस ये उठ ही नहीं रहा यार, भाई क्या बदतमीजी है, उठे जा यार। हाँ गाइस फाइनली मैजिक मिरर उठ चुका है। और वैसे देखो इसमें जो डोरेमोन की क्यूट वाली फोटो बनी हुई है यार, अब इसको देख के वो बोलेगा मैं तो बड़ा सुंदर हूँ। ठीक है भाई तेने देख लिया ना कांच में कि तू सुंदर लग रहा है, ले अब मेरे फटाफट से पैसे दे दे, मेरे को घर जाना यार, मेरे को देखना अपना घर जो जला था वो ठीक हो गया कि नहीं। सो यू रियली वॉन्ट टू गो गाइस, ये मुझे बोल रहा है कि तुम सच्ची में जाना चाहते हो। अरे हाँ भाई मैं सच्ची में जाना चाहता हूँ, आई विल मिस यू। अरे यार भाई ये अच्छा तो है यार, ये बोल रहा मैं तुम्हें याद करूंगा। हाँ भाई मैं भी थोड़ा बहुत याद कर लूंगा, कभी कभी हफ्ते में एक आध दिन आ भी जाऊंगा। ठीक है एक आध दिन आ जाऊंगा, ठीक है अभी मेरा पैसे दे दे। ओ आई फॉरगॉट अबाउट योर पेमेंट, ये बोल रहा मैं भूल गया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, भूलते रहते भाई, बादाम खाया करो। बुद्धि डोरेमोन की भी बढ़ जाएगी। गो एंड गेट माई वॉलेट फ्रॉम लास्ट कॉन्सर्ट रूम, ये बोल रहा है ऊपर वाला जो रूम है ना वहां से वॉलेट लेके आओ मेरे लिए। यार कसम से भाई छी यार, बड़ा बेकार इंसान है यार, इसका वॉलेट भी मैं लेके आऊं, इतना तो काम खुद कर सकता है ना, पता नहीं क्या ही नौकर ही समझाए भाई। कसम से वॉलेट लेके आओ, ये लेके आओ। और वो जो डोर है ना उसके ऊपर इसने बोला कि कीपिंग क्वाइट करके ऐसा कुछ लिखा होगा, उसके रूम के अंदर जाना अपने को। चलो चलते हैं, और इधर लिखा है, अच्छा इधर तो सिर्फ कीप क्वाइट लिखा है, इसके अंदर चलना है अपने को। और वैसे गाइस इसके अंदर कोई बैठा हुआ है भाई, ये कौन है गाइस, ये लाल, इसकी लाल लाल आंखें हैं यार, भाई थोड़ा डरावना टाइप का लग रहा है, मैं जाऊंगी नहीं जाऊं। ये कार्ड वार्ड तो नहीं लेगी ना भाई, मैं इधर नहीं जा रहा हूँ यार गाइस, कसम से मेरी फट रही है भाई। वो जो भी है थोड़ी अजीब सी है, क्योंकि देखो इसकी जो आंखें है ना ये थोड़ी सी लाल लाल है, अगर ये लाल नहीं होती ना मैं भाग के चले जाता भाई। इसके पीछे क्या वॉलेट नहीं है भाई, इसके तो पीछे भी वॉलेट नहीं दिख रहा, तो भाई कहाँ है वॉलेट। अबे भाई क्या ही चालू है यार, वॉलेट मेरे को कहीं नहीं मिल रहा। और वैसे भाई कोई आवाज आई मेरे को कोई सी आवाज आई गाइस, भाई कुछ हो रहा है क्या गाइस, मुझे लिटरली किसी की आवाज आ रही है भाई, अजीब सी यार। भाई मैं तो अंदर जा रहा हूँ यार, कसम से भाई मेरे को लिटरली डर लग रहा है यार। और वैसे गाइस फिर से आवाज आई भाई, क्या कोई चलवर रहा है यार। अरे और भाई गाइस डोरेमोन चल के आया, उसने मुझे काट लिया लास्ट नाइट। अबे कैसे लास्ट नाइट भाई, पिक लाइटर फ्रॉम माइकल रूम। अबे कौन से माइकल के रूम से गाइस, मुझे लाइटर लाना है कोई से, किसके रूम से। अरे भाई ये डोरेमोन को क्या हो गया गाइस, लिटरली अभी तक मैं दहशत में हूँ भाई, वो नॉर्मल डोरेमोन एकदम से राक्षस वाला डोरेमोन बन गया, और पता नहीं वो पूछ रहा था उसको बर्न करना है जलाना है कोई से स्प्रे से, और इतने में तो उसने मार दिया। और दांत ऐसे दिखा रहा था साला, टूथपेंट ढंग से करता नहीं है, दांत नीले पीले हो रहे थे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बाय बाय।